नागपंचमी के पावन अवसर पर महर्षि पतंजलि की तपोस्थली जैतपुरा स्थित प्राचीन नागकूप में नमामि गंगे ने स्वच्छता अभियान चलाया। नागपंचमी के दिन प्राचीन कुंड में स्नान पूजन को उपस्थित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच जल संरक्षण की कामना से नागकूप स्थित नागेश्वर महादेव और नागदेवता की आरती उतारी गई। नमामि गंगे के सदस्यों ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर काल सर्प दोष मुक्ति की कामना से कूप में माला फूल दूध लावा चढ़ाया। पौराणिक कुंडों तालाबों और पोखरों पर सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील करते हुए कुंड के आसपास बिखरे हुए पॉलिथीन एवं कूड़े कचरों को बटोर कर कूड़ेदान तक पहुंचाया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि काशी का प्रसिद्ध प्राचीन नागकूप गुरु पतंजलि की तपोस्थली है। इस प्राचीन कुंड में नागेश्वर महादेव का शिवलिंग विराजमान है। उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण के अनुसार यह वह स्थल है जहाँ से पाताल एवं नागलोक जाने का रास्ता है। नागपंचमी प्राकृतिक संरक्षण की दृष्टि से भी सारगर्भित है। भारत कृषि प्रधान देश है, नाग खेतों का रक्षण करते हैं। नागपंचमी के पर्व पर हमने कुंड की स्वच्छता करके जल संरक्षण और स्वच्छता को स्वभाव में शामिल करने का निवेदन किया है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, शिव कुमार, सरिता सिंह, पार्वती कुशवाहा, गणेश पांडे, कार्तिकेय शुक्ला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। नागकूप की आरती उतारकर नागेश्वर महादेव और उनके पूरे परिवार को प्रणाम किया है और इस दिव्य प्रांगण में सबके साथ मिलकर नागदेव और भगवान शिव जी को दुग्धाभिषेक करके उन पर फूल माला अर्चन करके उन पर दूध लावा चढ़ा करके काल सर्प दोष की मुक्ति की भी कामना की है, सांसारिक सुख की कामना की है, भारत की तरक्की की कामना की है। हमने यहाँ जो निर्माल्य है, पॉलिथीन है, जो अन्य सामग्रियां पड़ी हुई थी उनको बटोरा है, उनको सहेजा है, उनको कूड़ेदान तक भी पहुंचाया है और यह निवेदन करते हैं कि हमें इन पौराणिक कुंडों की स्वच्छता, पौराणिक कुंडों के संरक्षण के लिए सिंगल यूज पॉलिथीन को इन कुंडों से अलग रखना चाहिए।